मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग गाइस। मेरे एक और नए ब्लॉग में आपका स्वागत है गाइस। तो आप लोग कैसे हैं गाइस? आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। तो गाइस अभी मैंने ब्लॉग की स्टार्टिंग तो मैंने जिम से कर दी गाइस। तो मैं अभी आ गया हूँ जिम से, अभी मैं रेडी हो गया हूँ ड्यूटी के लिए गाइस। मैं जा रहा हूँ अभी ड्यूटी गाइस। तो गाइस कैसे आप लोग और कौन से स्टेट से हैं? मैंने कल भी पूछा था गाइस और कमेंट कोई भी नहीं कर रहा है गाइस। तो गाइस और ब्लॉग तो आ ही रहा है डेली बेसिस, तो आपका सपोर्ट और आपका प्यार भी बहुत है गाइस। वीडियो पसंद आए तो गाइस लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो गाइस सब्सक्राइब कीजिए। और ब्लॉग इसमें आएंगे, अच्छे आएंगे गाइस। तो अभी जैसे मेरे को टाइम मिलता है तो मैं वैसे ब्लॉग बनाता हूँ गाइस। मैं एक होटल ले रहा हूँ, आपको पता है मैं सभी ब्लॉग में बोलता हूँ मैं होटल ले रहा हूँ। और उत्तराखंड से जो ब्लॉग आएंगे, मैं उत्तराखंड अभी जाऊंगा। तो गाइस उत्तराखंड में मेरा घर है, जैसे जानते हो पवन पाल सिंह मेरा नाम है गाइस, तो आपको सभी को पता है। तो मैं बार बार नाम नहीं बोलता, पवन पाल सिंह ठाकुर मेरा नाम है गाइस। मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूँ। एक मैं ऐसा नहीं कि मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ गाइस, मैं खटीमा से रहता हूँ गाइस। तो चलो अभी मैं ड्यूटी के लिए रेडी हो गया हूँ, निकलते हैं ड्यूटी। फिर आगे बन अभी वर्कआउट कंप्लीट करके आ गया हूँ मैं, राधा में आ गए हैं, बैठे हुए हम लोग। हाय। तो दोस्तों अभी हम लोग वर्कआउट कंप्लीट करके आ गए हैं, तो ब्लॉग मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ और एंड कहाँ करूँगा ये कुछ पता नहीं रहेगा। तो गाइस स्वच्छ रहें, साफ रहें, हाथों को बार बार धोते रहें। अभी आँखों की बीमारी चल रही है हर किसी की आँखों में, पता ही है आपको, हर किसी की आँखों की बहुत ही भयंकर बीमारी आई हुई है। तो हर 5 मिनट में हाथ धोते रहें और साफ। प्रोटेक्शन के लिए काला चश्मा लगाएं और प्रोटेक्शन के लिए काला चश्मा लगाएं जिसको ये हो जाती है बीमारी गाइस। तो ये अभी सभी को है, मैं होटल में देख रहा हूँ और उत्तराखंड में जिसको भी मैं कॉल करता हूँ गाइस, तो वो सभी के चश्मे देखता हूँ, सभी दबंग बने हुए हैं। तो ऐसा ना समझे कि दबंग, क्योंकि अभी बीमारी ऐसी आई हुई है ना गाइस, तो उसके लिए चश्मे का यूज करें जिसको हो जाती है। और कृपया हाथ धोते रहे, हर 5 मिनट में हाथ धोए और फेस में हाथ टच ना करें। ये बीमारी बहुत ही भयंकर है और होने के बाद इसमें आँखों में उंगली ज़्यादा ना लगाएं गाइस। यहाँ पर होटल में देख रहा हूँ हमारे 200 से 250 स्टाफ है, उनमें से कम 15 से 20 लोग को तो एवरीडे नए को हो ही रही है गाइस। चलो अभी मैं चलता हूँ रूम को, थोड़ा अभी ब्रेकफास्ट का टाइम है, अभी वर्कआउट किया तो थोड़ा ब्रेकफास्ट करते हैं। बने रहिए कंटिन्यू ब्लॉग के साथ, मिलते हैं आगे। देख सकते हैं काफ़ी अच्छा वेदर हुआ है यहाँ पर, काफ़ी बढ़िया हुआ है और ये वेदर भी काफ़ी अच्छा है और अभी थोड़ा क्राउड कम रहता है मॉर्निंग के टाइम पे गाइस। तो देख सकते हैं और मैं पहुँच गया हूँ सामने होटल के और अभी वर्कआउट से आ गया हूँ जिम करके। और बहुत ही अच्छा सुहावना मौसम हुआ है गाइस, आप देख सकते हैं हल्के से बादल लगे हुए बराबर। तो गाइस देख सकते हैं वेदर काफ़ी बढ़िया हो चुका है। अभी निकलता हूँ मैं रूम की ओर, बने रहे ऐसा कंटिन्यू वीडियो के साथ। गुड इवनिंग, अभी आ गए हम रेस्टोरेंट में, अभी थोड़ी देर में यहाँ पर आएंगे गेस्ट। तो हम छुट्टी में हैं, रेशम भी है इधर छुप के देख रहा है। तो अभी हम निकलेंगे खाना खाने और खाना हमारा हो गया रेडी, चटनी से हो गया एक बोल फ्रेम सा हमारा, ऐसे ही कंटिन्यू बने रहो ब्लॉग के साथ। और मैं रात को इन करता हूँ ब्लॉग, मिलते हैं रात को, तब के लिए बाय। हेलो दोस्तों, तो आज का ब्लॉग तो नॉर्मली था, मैं कहीं गया नहीं, रेस्टोरेंट में ही रहा। अभी ब्लॉग को एंड मैं रात को यहाँ पर रेस्टोरेंट में ही कर रहा हूँ, मैं कहीं रेस्टोरेंट से आज बाहर गया नहीं।
तो अभी अराउंड रात के 12 बज रहे हैं। साथ में मेरे साथ ब्रूसली भैया बैठे हैं जो कल बैठे हुए थे, कम बाल वाले थोड़ा, और साथ में निवेश भाई भी है। ब्रूसली भाई को बैठे देखो, बहुत इनकी बहुत सारी स्पीड है गाइस, ये कम से कम 200 की स्पीड से चलते हैं। पता है ना ब्रूसली का कितना खतरनाक, लाइट बटन ऑफ करने के बाद सो जाते थे, उसके बाद लाइट ऑफ होती थी, सेम काम वैसे ही इनका भी है। ये उठ के भाग जाते हैं लाइट बंद करके, फिर रूम पे पहुंचने के बाद यहाँ की लाइटें ऑफ होती है गाइस, तो ऐसा सीन है इनका। तो इसीलिए खास करके आपको मैं इनको दिखा रहा हूँ, कल बर्थडे में सेलिब्रेट में नहीं आए, आप आए थे ये। तो गाइस एवरीडे ब्लॉग आ ही रहा है, तो ब्लॉग कैसा लगा बताइए, मैं उस टाइप के ब्लॉग बनाऊँ कॉमेडी या कैसे प्रैंक, किस टाइप के ब्लॉग बनाऊँ बताइए मेरे को। अभी इस ब्लॉग को मैं यहाँ पर बस एंड कर ही रहा हूँ गाइस, मेरे को भी नींद आ रही है, काफ़ी थक चुका हूँ मैं भी काम करने के बाद, पूरा दिन काम करने के बाद। ये थोड़ा सा मैं शाम को थोड़ा सुबह जब जब टाइम मिलता है तो मेरे को तब मैं ब्लॉग शूट करता हूँ गाइस। तो इस ब्लॉग को अभी मैं यहीं पर एंड करता हूँ।